तो स्वागत है। और दोस्तों, जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, आपके जो क्लासेस हैं वो आपको लगातार रात 8 बजे से देखने के लिए मिल रही हैं। और जो आपका सेकेंड पेपर है, इसके क्लासेस आपको लगातार रात 9 बजे से देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, सिर्फ पहले की, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर सारी क्लासेस जो हैं वो आसानी से देख सकते हैं, प्रीवियस क्लासेस, ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ सके। और इससे पहले हमने यहाँ पर जो इससे पहले पुराने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसके अलावा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो सारे सॉल्व करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसकी श्रृंखला स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, कंप्लीट कर दें आज की इस वीडियो को। बाकी पुरानी क्लासेस अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें, चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल तक जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखना है। प्रश्न संख्या 236, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम यहाँ पर आपको बताना है। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का जन्म, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो कलकत्ता में सन 1863 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जो वास्तविक नाम था बचपन का वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की जो स्थापना कब और कहाँ पर की थी। ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की जो स्थापना कब और कहाँ पर की थी? तो टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर, कहाँ पर? बोलपुर, बोलपुर, बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। सन 1990 में बोलपुर में टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जो जनसंख्या शिक्षा है इसके लक्ष्य क्या हैं? ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा के जो लक्ष्य हैं निम्नलिखित हैं: आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, इसके अलावा आहार और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर की उपलब्धि, सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का यहाँ पर लक्ष्य क्या है? आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, ठीक है, इकोनॉमिक प्रगति हो, स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, आवास हो सभी के लिए, आहार और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर की उपलब्धि हो, और उसके सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति भी करना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 को रीड करेंगे, जनसंख्या शिक्षा के यहाँ पर लक्ष्य के बारे में। छोटे परिवारों जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है। परिवार कैसे हों? छोटे हों, ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या कम हो, प्रशंसात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित होता है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है? तो वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा जो भोजन है, जो हवा है हमारी, और जो जल है वो गंदा या प्रदूषित हो जाए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, हवा, सारी चीज़ें क्या हो जाएं? दूषित हो जाएं और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दें। तो ऐसा जो वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो वातावरणीय प्रदूषण कहलाता है या फिर आपका पर्यावरणीय प्रदूषण भी इसे कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 240, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये अब आपको याद हो चुका होगा, 3 से 4 बार आपको बताया जा चुका है, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ठीक से देख लें। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? ठीक है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम, ठीक है, तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? एकेडमी। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? एकेडमी। इसके बाद अगला सवाल है, राज्य से आपका क्या अभिप्राय है? तो आईएल कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है और जिससे लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट बोलते हैं, यानी कि राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित, ठीक है, जो संगठित हो सुनियोजित तरीके से और राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है और जिससे लोगों के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होती है। अगला सवाल है, पाठशाला को भाग, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार, तो ये आपको अब याद हो चुका होगा। प्रश्न संख्या 243, आप स्वयं रीड कर सकते हैं,
पाठशाला यानी कि स्कूल को बाग कहा है और शिशु को पौधा बोला है और शिक्षक को माली कहा है, ये विचार किसके हैं? ये विचार हैं फ्रॉबेल के, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है, यानी कि भाई ईश्वर को नहीं मानता। शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात है, ठीक है, शिक्षण विधि, ठीक है, जनक कौन है? सुकरात ही, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका ऊपर वाला सवाल है, ठीक है, शिक्षण विधि यहाँ पर लिखा हुआ है केवल, तो यहाँ पर होगा आपका प्रश्नोत्तर, ठीक है, क्या होगा? प्रश्नोत्तर, ठीक है, क्या? प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि? प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात है, आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कौन सी? प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात है। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है भौतिकवाद के नाम से। किस नाम से? भौतिकवाद के नाम से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? किंडरगार्टन कब स्टार्ट किया था फ्रॉबेल ने? तो ये आपका किया था 1839 में स्टार्ट। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब स्टार्ट किया था? 1839 में। समाज के प्रमुख कार्य बता दीजिए। समाज के प्रमुख कार्य हैं, बालक समाज जो है बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है और उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। कौन? सोशल, हमारा समाज, ठीक है। हमारा समाज क्या करता है? समाज जो है वो बालकों की पढ़ाई के लिए स्कूल्स की स्थापना करता है, इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करता है और उन्हें चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। ये क्या कार्य हैं? किसके कार्य हैं? ये कार्य हैं समाज के। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, वो पूछ रहा है आपकी मूल्य का अर्थ लिख दीजिए। वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू का अर्थ डेफिनेशन, यहाँ पर जो अर्थ पूछ रहा है, जो मीनिंग पूछ रहा है, वो आपका पूछ रहा है मूल्य का। तो मूल्य का अर्थ शब्दकोशीय अर्थ है। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानी और उपयोगी सिद्ध हो जाए। ये सवाल ऑलरेडी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखें। किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह वस्तु यहाँ पर मूल्यवान हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए, सम्मानी हो जाए, उपयोगी हो जाए, इसे ही वस्तु का मूल्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वस्तु का मूल्य कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि, ये सारे की सारे क्या होते हैं? बाल अपराध के कारण होते हैं, बाल अपराध के मुख्य बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बाल अपराध के मुख्य बिंदु होते हैं या बाल अपराध के कारण होते हैं। कौन कौन से? गरीबी, ठीक है, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण ना मिल पाना बच्चों को, जागरूकता की कमी होना, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बाल अपराध के कारण हैं। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि बताइए कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला था? ये सवाल कई बार आपके सामने रिपीट हो चुका है, इसलिए अब आपको याद हो गया होगा। 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बनारस संस्कृत कॉलेज का वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये सवाल भी रिपीट हो चुके हैं परीक्षाओं में। तो 1791 में, ठीक है, जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो स्टार्ट हुआ था। कितने ईस्वी में? 1791 ईस्वी में, ठीक है, जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा अगला सवाल है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है वो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो है वो प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 254 नंबर प्रश्न है, बोर्ड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? बोर्ड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने जो शिक्षा नीति थी वो कब घोषित की? ये 19 जुलाई 1854 को बोर्ड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने अपनी शिक्षा नीति घोषित कर दी, आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, क्या है निरौपचारिक शिक्षा? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों के में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? आयु वर्ग का इसमें कोई बंधन नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा में कोई आयु वर्ग का बंधन नहीं होता है। इसके अलावा अगला सवाल है, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, ये कथन बताना आपको किसका? तो ये कथन जो है वो प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। शिक्षा जो व्यक्तिक, ठीक है, और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है शिक्षा में, ठीक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए, ये जो कथन है ये किसका है? ये प्लेटो का। ये कथन किसका? ये कथन प्लेटो का है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा कब स्टार्ट होती है? तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से दी जाती है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा कब स्टार्ट होती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, कब? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला सवाल है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, इस कथन की व्याख्या कीजिए। शिक्षा किस तरह से त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षा किस तरह से
त्रिमुखी प्रक्रिया, ये जॉन ड्यूवी का कथन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। तो जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित रहता है। अगर यहाँ पर टीचर है, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस भी है यार, तो है इस तरह से। शिक्षा कैसी है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है, अध्यापक, स्टूडेंट्स और सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिख दीजिए। गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या दी थी, वो आपको गांधी जी के शब्दों में बताना है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। ये आपको गांधी जी के शब्दों में शिक्षा का जो डिफिनेशन है वो बता देना है, इस कुछ इस तरह से। इसके बाद आपका अगला सवाल है औपचारिक शिक्षा कहते किसे कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, जो कि आपकी स्कूल कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होते हैं। स्कूल में आपको पहले से टीचर मिलेंगे, पहले से समय, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस स्थान पर आपको आना है, किस जगह आपको बैठना है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पहले से निर्धारित होंगी। तो ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन हुई, यानी कि औपचारिक शिक्षा हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 261 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है। जो परिवार हो जाता है, जो आपकी फैमिली होती है, उसमें बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन के द्वारा शिक्षा जो है वो दे दी जाती है। कैसे? कहानी सुनाई जाती है बच्चों को, शिक्षा वृत्त कहानियाँ, जिससे बच्चे शिक्षा जो है वो अलग अलग तरह से ग्रहण कर पाते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य बता दीजिए। प्रयोजनवादी शिक्षा के दो उद्देश्य यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल पा रहे होंगे। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण। पूर्व से जो उद्देश्य पहले से निश्चित हैं उनका विरोध करो, इसके साथ ही नए मूल्यों का निर्धारण करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? ये सवाल भी अब आपको रट गया होगा, उम्मीद करते हैं अब आपको ये भूलेगा नहीं। ये सवाल अब क्या होगा, इस सवाल को आप भूलेंगे नहीं, बार बार बताया जा रहा है बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है या प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो वो है आपके महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी, आपको याद रखना। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बता दीजिए फटाफट। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी में चियारावेली इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? चियारावेली के इटली में हुआ था, ठीक है। समाज की उपयुक्त परिभाषा आपको बताना है। मैकाब्रो पेज के अनुसार समाज व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं की अधिकार और पारस्परिक सहयोग की एक अनेक समूह विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? जो समाज है वो व्यवहारों प्रतिक्रियाओं के अधिकारियों को पारस्परिक सहयोग की एक व्यवस्था है। इसके अलावा अनेक समूहों विभागों की एक व्यवस्था है। मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की एक क्या है? ये व्यवस्था है इन सभी चीज़ों की, ठीक है। इन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया, इसलिए आपको थोड़ा पढ़ने में कठिनाई होगी, बट आप लोग दोबारा से जब यहाँ पर रिविजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपका अगला सवाल है शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लेकर। जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं प्रमुख कारक, मेन फैक्टर, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार, ये सारे के सारे जो हैं वो शिक्षा को डायरेक्ट रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है। परिवार, समाज, राज्य और जनसंचार, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो शिक्षा को कहीं ना कहीं इफेक्ट मारते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। अगला सवाल है शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आपका क्या मतलब है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से मतलब ये है कि विभेद रहित शिक्षा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। संविधान की धारा 29(2) में देश के सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी को आपको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। और शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी तरह से आप शिक्षा देने में किसी भी स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, काला गोरा या किसी भी तरह से, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा रहा है कि बाल श्रम क्या है? जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो काम कराया जाता है, ठीक है, किसी भी जगह पर जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों के द्वारा किया जाता है वह बाल श्रम की कैटेगरी में आ जाता है। किसकी कैटेगरी में? बाल श्रम, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? ऐसे बच्चे जो उनकी एज 14 वर्ष से कम आयु की एज के होते हैं, अगर वो कहीं पर भी कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब 14 वर्ष या उससे कम आयु के वर्ग के बच्चों से कहीं पर भी कार्य नहीं करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार कार्य करते हुए आपको बच्चे मिल जाते हैं। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? तो वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? दो स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत, ठीक है। कई बार प्राकृतिक स्रोत से भी जो वायु प्रदूषण होता है, और मानव स्रोत का तो भैया कहना ही नहीं, ठीक है, ये तो बता बता अगर आपको थकी गए। इसके बाद आपका अगला सवाल है जल संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है?
तो जल संरक्षण से क्या तात्पर्य है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना और उनका विकास करना। ये संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है और जल के प्रदूषण पर भी आपको नियंत्रण रखना होता है। जल को किसी भी तरह से आपको प्रदूषण नहीं करना है। जो गंदे कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से या कारखानों से, उसे कभी भी यहाँ पर नदियों में, यहाँ पर सीवर लाइन के थ्रू नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जो जल है, जो वाटर है, वाटर पॉल्यूशन होता है, जिससे बहुत सारी खतरनाक जो डेंजरस बीमारियाँ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर फैलती हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो DLED क्लासेस से संबंधित है लगातार रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आपको सारी क्लासेस का जो टाइम है वो आपको नोट करा देते हैं, तो फटाफट नोट कर लीजिए। फर्स्ट पेपर है जो आपका वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा, जिसे आप इस समय यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो क्लासेस वो आपको लगातार रात 8 बजे से मिल रही है। कितने बजे से? 8 के बजे से। दूसरा आपका प्रश्न पत्र है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसकी क्लासेस लगातार आपको 9 बजे से मिल रही है, रात में 9 बजे से। तीसरा प्रश्न पत्र आपका साइंस का, इसकी क्लासेस आपको लगातार रात 7 बजे से मिल रही है। पांचवा पेपर आपका फिफ्थ पेपर है, ठीक है, फिफ्थ पेपर है, इसकी क्लासेस आपको लगातार शाम 6 बजे से प्राप्त हो रही है। तो सभी क्लासेस को अटेंड करें। अगर प्रीवियस क्लासेस अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं तो चैनल पर सारी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, पुरानी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपके लिए प्लेलिस्ट हमने बनाकर तैयार कर दी है। जो भाई बहन अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक पर हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो जाएं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पर सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।